हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और जो लोग इस चैनल पर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं, श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर एक छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि बाबा बर्फानी के दर्शन के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, किस तरह से आप कौन सा रूल फॉलो करके किस तरह से आप जाकर एक दिन में मेडिकल सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कहाँ पे आपको टेंट मिलेगा, कहाँ पे आपको कौन सा एकोमोडेशन मिलेगा, कैसे आप इकोनॉमिकल मतलब अच्छे एकोमोडेशन को इकोनॉमिकल प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं, टेंट का क्या प्राइसेस होगा, कहाँ पे कौन सा टेंट मिलेगा, कहाँ पे कौन सा मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, कौन सा रास्ता में क्या क्या आपको स्टॉपेज है, कौन सा हॉल्ट है, कहाँ पे आपको किस तरह का कौन सा फैसिलिटी एमिनिटीज मिलेगा, हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर किसी को श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान कर रहे हैं या इन फ्यूचर आपको जाना है तो एक बार जाकर के आप अपने रिलेवेंट वीडियो को देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको जरूर मदद करेगा आपके प्लान करने के लिए। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के बाद और क्या क्या आपको करना है, जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हेलीकॉप्टर के टिकट को प्रिंट कैसे करना है, नीलगढ़ के पास नियरेस्ट एकोमोडेशन क्या है, इसके अलावा डांडीज और पोनी का रेट क्या होगा पंचतरणी गुफा तक जाने के लिए। तो सारे क्वेश्चनों का और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, उन सारे का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले आपको टिकट प्रिंट कैसे करना है ये मैं अपने लैपटॉप पर स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अपने फ़ोन के मदद से या टिकट नंबर के मदद से, अगर टिकट नंबर आपके पास नहीं है फिर भी बिल्कुल नहीं घबराए, आप अपने फ़ोन नंबर के मदद से आप उसको रिट्रीव करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया कि जिन लोगों का टिकट हो गया है बट उन लोगों को प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है टिकट का हार्ड कॉपी निकालने में, क्योंकि वो पेज वहाँ पे एक्सपायर कर जा रहा है। तो ये देखिए, ये भी हम होम पेज पे हैं, एक बार वापस मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको जैसे ये अवेयरनेस वाला पेज आता है, पॉपअप आता है, इसको क्लोज करें, प्रिंट हेली टिकट पे जाएं। प्रिंट हेली टिकट पे जाकर आप यहाँ पर टिकट नंबर प्रिंट कर टाइप कर सकते हैं, टिकट नंबर टाइप करके आप सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा। अभी मान लीजिए हमारे पास टिकट प्रिंट है ही नहीं तो टिकट नंबर तो है नहीं, अभी इतना भी हम एफर्ट नहीं लगा जाते, तो इससे भी इजी वे क्या है, इसका इजी वे है फाइन टिकट पे गए, फाइन टिकट पर जाकर हम फ़ोन नंबर को डालते हैं, फ़ोन नंबर को डालने का अपना डेट ऑफ जर्नी जो है उसको एंटर करते हैं, डेट ऑफ जर्नी जो भी आपका वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। डेट ऑफ जर्नी जैसे एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये मैं दिखाना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर और जर्नी डेट प्रोवाइडेड डज नॉट मैच। तो यहाँ पे क्या गलत मैंने किया, यहाँ पे गलत किया कि हम मैंने कंट्री कोड नहीं डाला, और वापस से यहाँ पे कंट्री कोड लगा दिया +91 और यहाँ पे सबमिट किया। अब देखिए ये हमारा टिकट आ गया, ठीक है, ये टिकट आ गया, इसको टिकट को कुछ नहीं करना, आराम से आप नीचे जाइए यहाँ पे प्रिंट पे, यहाँ पे आप प्रिंट टिकट करेंगे, टिकट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नहीं हो जाएगा मतलब टिकट डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड टिकट को आप अपने फोल्डर में जा करके यहाँ से इसको ओपन करके आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं, टिकट ओपन हो गया, टिकट को आप व्यू कर सकते हैं और टिकट को उसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है ऑनलाइन टिकट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड नॉन रिफंडेबल, तो जो लोग भी कैंसिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं उन लोगों को मैं वापस से बता दूँ कि ये टिकट कैंसिल नहीं होगा, आपको कोई पैसा रिफंड में नहीं आएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन है, प्लीज कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द टिकट, टिकट एज प्रिंटेड फ्रॉम पोर्टल, ये जो आपका है या पोर्टल से प्रिंट करके ले लें, नो डिजिटल टिकट विल बी एक्सेप्टेड। तो फोन में दिखाने का कोशिश ना करें, आप सीधा सीधा हार्ड कॉपी रख लें। पैसेंजर वाइज आईडी प्रूफ एज सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग, तो जो भी आपने आधार कार्ड पैन कार्ड या पासपोर्ट तीनों में से जो भी ऑप्शन था उसका एक क्लियर कॉपी रख लें और कोशिश करें ऑरिजिनल भी साथ में कैरी करने के लिए, कंपल्सरी है, चेकअप सर्टिफिकेट नहीं रखा लिखा है बट आप उसे रख लें। और जो लोग CHC के जगह पे परमिट से बुक किया वो अपना परमिट का ओरिजिनल कॉपी जरूर ले लें, ऐसा नहीं कि ठीक है अभी इसमें नहीं लिखा, आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके चले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे अगर कुछ मांगा जाएगा वो सिनेरियो में तो फिर आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का टिकट बुकिंग को लेकर अभी भी डाउट्स है, काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कल एक लाइव करने का, तो मैं कल 2 बजे दोपहर को रखूंगा क्योंकि कल संडे है, कल मैं भी फ्री रहूंगा, 2 बजे दोपहर में आप लोग भी फ्री रहेंगे संडे को उम्मीद करता हूं। तो जिन लोगों को डाउट है वो लोग आए 2 बजे आए, जो भी हाफ एन आवर 45 मिनट से जो भी टाइम लगेगा उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। जैसा कि कल भी मैंने लाइव किया था ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर गया था, 80-85% को मैंने लगता है रिस्पॉन्ड कर दिया था बट फिर भी 10-15% लोग रह गए थे,
मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि किसी को क्वेश्चन को अनअटेंडेड छोड़ने का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज थी। मैंने सोचा था हाफ एन आवर में सारे क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट ये 1 घंटा से स्पिल ओवर हो गया था। तो कल मैं 2 बजे दोपहर को ये रखूँगा। अभी चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, अभी बाकी के उस वीडियो के सेकंड पार्ट पे इसको कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे की चीज़ों को बतलाता हूँ। आप हमेशा याद रखिए कि आपको सारे चीज़ों का हार्ड कॉपी लेकर जाना है। प्रिंट आपका जो अभी हेलीकॉप्टर का टिकट है इसका प्रिंट का हार्ड कॉपी, सीएससी का हार्ड कॉपी, जिनके पास ओरिजिनल है ओरिजिनल लेके जाए, जिनके पास जेरोक्स है जेरोक्स लेके जाए, जिनके पास दोनों में से एक भी नहीं है, ना ओरिजिनल है मेडिकल का ना जेरोक्स है, वो अपना परमिट लेकर के चले, ओरिजिनल परमिट लेकर के चले। जो ऑनलाइन बुक किए हैं तो उनके पास ऑब्वियसली सीएचसी का आपका कंपलसरी हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेट का आपके पास ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन अपलोड करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे जाने से पहले, क्योंकि जाकर बोर्डिंग पास लेकर के आप आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि जब हम बाबा के दर्शन के लिए जब हम पंचतरणी में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो उसके बाद कैसे जाएंगे। पहला ऑप्शन तो आप ट्रेक करके जा सकते हैं, ट्रेक करके जाना है। दूसरा ऑप्शन है कि डांडी से जाना, तो डांडी का रेट बहुत सारे लोगों को पूछना था कि डांडी का रेट बता दीजिए। वैसे ये मैं बता चुका हूँ, पहलगाम रूट से जब आप जाएंगे तो क्या डांडी का रेट है, पोनी का क्या रेट है, लेबरर का क्या रेट है। वापस से मैं सिर्फ पंचतरणी से बाबा की गुफा और वहां से आने का रेट बता रहा हूँ। तो डांडी का रेट जो है पंचतरणी से बाबा की गुफा का वो 3,000 है, और बाबा की गुफा से जब आप वापस पंचतरणी आएंगे तो उसकी 2,800 रेट है। इसके बाद राइड पोनी जो है पोनी पर बैठ करके जाएंगे तो पंचतरणी से बाबा की गुफा का रेट है 1,400, और 1,400 ही रेट है जब आप वापस आएंगे उसका भी। पिट्ठू जो है जो 20 केजी तक का आपका सामान लेकर के पंचतरणी से बाबा की गुफा तक जाएगा उसका जाने का रेट है चढ़ने के टाइम पे 800, और उतरने के टाइम पे बाबा की गुफा से पंचतरणी का 750 रेट है। तीसरा क्वेश्चन यह आ रहा था कि कितना टाइम का गैप रखिए ऊपर जाकर के नीचे आने में, मतलब ऊपर पहुंचने से वापस रिटर्न चॉपर पकड़ने में। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ट्रेक करके जा रहे हैं तो आप हेल्दी 5 घंटे का बफर रखें, और अगर आप पोनी वगैरह जाने का करें तो 4 घंटे का बफर रखें। 4-5 घंटे का बफर इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी तरह का रश नहीं होना चाहिए। जब आप जाएं शांत दिमाग से जाएं, बाबा का दर्शन करें, और वहां से शांत दिमाग से आप बिल्कुल नीचे तक आए, पंचतरणी तक आए, अपना हेली बेस तक आए, आपको कोई रश होगा नहीं। कोशिश कीजिए कि फर्स्ट स्लॉट जो है 6 to 9 उसमें बुक हो जाए, 9 to 12 में बुक हो जाए, ये दोनों स्लॉट को प्रिफर करिए आपकी जो भी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से। और रिटर्न का फ्लाइट रिटर्न का जो आपका है, अगर आप 6 to 9 लिए हैं तो आप 3 to 6 ले सकते हैं, अगर आप 9 to 12 लिए तो भी आप 3 to 6 ले सकते हैं। अगर आप 12 to 3 या 3 to 6 चढ़ने के लिए ले रहे हैं जाने के लिए, तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। नाइट स्टे आप बाबा की गुफा के पास भी कर सकते हैं और पंचतरणी में भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, सुविधा लगे, वहां पर कर सकते हैं। और वहां पर आपको टेंट का फैसिलिटी ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, टेंट के प्राइसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम फिर नेक्स्ट डे दोबारा बाबा का दर्शन कर सकते हैं क्या। देखिए, अगर हम हर कोई ऐसा करने लगेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा और लोगों को दर्शन करने में मुश्किल होगी। इसके लिए बाबा का दर्शन जब आप एक बार कर ले रहे हैं तो कृपया आप नीचे आ जाएं, वो ज़्यादा सहूलियत होगी आपके लिए भी, और आप दर्शन कर रहे हैं। वैसे हमारे जैसे जैसे लाखों लोगों को दर्शन करना है, हर दिन बहुत सारे लोग को दर्शन करना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण किसी और को इनकन्वीनियंस हो। हम एक बार दर्शन कर लिए, एक बार में ही बाबा हमारी पुकार सुन लेंगे, हम बाबा के दरबार तक चले गए, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा ने बुलाया इसीलिए हम वहां तक गए हैं। तो बार बार इस तरह से करने का कोशिश ना करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि नीलगढ़ में रहने के लिए सबसे अच्छा कौन सा जगह होगा। तो सोनमर्ग से, जैसा आपको मैंने पहले बताया 4-5 किलोमीटर, तो सोनमर्ग में आप रह सकते हैं। सोनमर्ग में आपको लॉज मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, जो लोगों ने नहीं बुक किया, अभी तो थोड़ा कॉस्टली भी होगा, लेकिन आप JKTDC वाला भी देख सकते हैं, या तो मेरा एक वीडियो है कि बालटाल में एकोमोडेशन कैसे बुक करें, वो आप देख सकते हैं। अगर आप बालटाल सॉरी सोनमर्ग में और बालटाल में अगर आप जाते हैं तो बालटाल में आपको बेस कैंप में आप जा करके वहाँ पर टेंट वगैरह सब ले सकते हैं, उसका भी प्राइसेज है, वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो वहाँ से आप काफ़ी इजिली कमूट कर सकते हैं। कमूट के बारे में भी लोगों को क्वेश्चन था कि वहाँ से कैसे जाएंगे। वहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा, आप जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि श्रीनगर से अगर हम बाई बस श्रीनगर से बालटाल के लिए जाते हैं तो क्या हम सोनमर्ग में उतर सकते हैं। आप बिल्कुल सोनमर्ग में उतर सकते हैं, इनफैक्ट बस रोकेगी भी, जिन लोगों को उतरना वो उतर सकते हैं। प्राइसेस मैं बस वाले वीडियो में बताया हूँ, तो कृपया आप, मेरा जस्ट यही विनती आप लोगों से
कि आप एक बार प्लेलिस्ट में रिलेवेंट सारे वीडियो मत देखिए, जो आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस है, अकोमोडेशन, जो भी, आप उसको देख सकते हैं। वहां से आपका काफी सारा क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा। और जैसा कल मैंने लाइव में आप लोगों को बताया था कि मैं दो धाम का यात्रा का भी आप लोगों को बताऊंगा, तो जो भी आपका कोई क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जल्दी शुरू करूंगा ज्योतिर्लिंग के साथ। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों का अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।